हाय एवरीवन, वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, और जैसे कि आज समर चल रहा है, बट आप देखिए मेरी गार्डन कितनी ग्रीन है। सो, आज हम कुछ वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे वेजिटेबल्स रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। मैंने कुछ बैंगन और मिर्ची हार्वेस्ट की, यहाँ पे एक तुरई है, कुछ ग्रीन लेफी वेजिटेबल जिसमें पालक है, और ये रेड लाल चौली है। इस यहाँ पे देखिए एक पत्तों के पीछे ये बैंगन छुपा हुआ था। ये आज के हार्वेस्ट है हमारी। इतने सारे वेजिटेबल्स कितने फ्रेश है ना। इस वेजिटेबल्स को मैं आज फ्रिज में नहीं डालूंगी, इसको इमिजिएटली हम कुक करेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सबको इकट्ठा कुक करके एक मिक्स वेज बनाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम हर सब्जी अलग अलग कुक करेंगे ताकि उसकी हमको टेस्ट हम इंजॉय कर सकें। और ये कुकिंग मैं आज ट्रेडिशनली कर रही हूँ चूल्हे पे, और वो भी मिट्टी के बर्तन में। यू नो व्हाट, आज मुझे मेरी नानी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसके हाथ का खाना वो हमेशा वो चूल्हे पे और मिट्टी के बर्तन में बनाती थी। जब भी हम छुट्टियों में उसके घर जाते थे तो वहीं पे चूल्हे के साइड में बैठ के वो खाना खाते थे। आज भी वो टेस्ट मुझे याद है। ये मैं बना रही हूँ बैंगन मसाला। बैंगन मसाला तो क्विकली बन रहा है, साइड में जो हीट वेस्ट जा रही है वहाँ पे मैं भरते वाला बैंगन, कुछ लहसुन और मिर्ची अंदर डाल के उसको साइड में रोस्ट करूँगी, ताकि डबल कुकिंग साइड में वो हो जाए। यहाँ पे खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, और ये ऑलमोस्ट डन है। अभी कुछ स्पाइसेस और धनिया डाल के मेरा बैंगन मसाला रेडी हो गया। साइड में भरते वाला बैंगन भी रोस्ट हो गया है, उसको मैश करेंगे। वैसे तो बैंगन का भरता मेरा बहुत फेवरेट है, एंड बनाना भी बहुत इजी है। जस्ट तेल में कुछ प्याज, कुछ स्पाइसेस एंड टमाटर को सॉटे करो, एंड उसमें बस वो मैश किया हुआ बैंगन डाल दो, हो गया आपका बैंगन भरता रेडी। उसको आप रोटी के साथ या चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि आपको बैंगन की कौन सी सब्जी पसंद है, मतलब किस तरीके से पकाया हुआ बैंगन आपको पसंद है। देखिए यहाँ पे मेरा बैंगन भरता रेडी हो गया, एंड और अब हम बनाते हैं रोटी। जैसे कि मैं हेल्दी कुकिंग बता रही हूँ, वैसे हम चावल की रोटी हमेशा खाते हैं, बट आज मैं बना रही हूँ रागी की रोटी। मिलेट आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, ये मिलेट की रोटी बन रही है। ये भी क्विकली बन गए, बट ये भी जो तवा रेडी है ना, उसी तवे पे हमने वो सब मिर्ची डाली, कुछ लहसुन डाला, और ढेर सारा ग्रेटेड क्रश्ड पीनट डाला, और ये हमारा ठेचा रेडी हो गया। सिंस अभी मेरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बहुत कम है, इसकी अगर मैं सब्जी बनाने जाऊँगी तो बहुत ही कम पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ इसकी कुछ अलग डिश बनाऊँ। इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे, एंड मैंने एक कटोरी बेसन लिया, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए, पानी डाल के फिर उसमें अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डाली, एंड उसकी एक स्लरी बनाई। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसको थोड़ा से तेल पे कुछ स्पाइसेस डाल के इसको थोड़ा सॉटे करेंगे, बहुत सारा धनिया डालेंगे, और ये जो स्लरी बनाई है वो इसके अंदर जाएगी। जैसे कि हम कोथम्बीर वड़ी या फिर कोई भी झुनका बनाते हैं, उस तरह से इसको कुक करेंगे। जैसे ये कुक होने लगेगा, ये गाढ़ा बनते जाएगा, और फिर इसको पूरा कुक होने, ड्राई होने के बाद इसको हम प्लेट में सेट करेंगे, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। ऊपर से थोड़े से तिल डाल के इसकी फिर हम वड़ी बनाएंगे। ये वड़ी बन गई, एंड अभी देखो मेरी प्लेट, वाओ, आई जस्ट कांट वेट टू टेस्ट इट। ये तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं जब तक ये मेरा खाना टेस्ट कर रही हूँ, यू स्टार्ट पुटिंग योर कमेंट्स, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।